वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के जाने माने वकील केडी पाठक पर भोपाल में आज लोगों ने हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक केडी पाठक को काफी चोट भी लगी है। केडी पाठक एक आदमखोर व्यक्ति का केस लड़ रहे थे। बोल शमन। केडी बॉय, सॉलिड गड़बड़ हो गई है। बोले तो माँ की जय। तो ठीक तो है ना? बस अपू ठीक है। बॉस लेकिन इधर तो सॉलिड जंगल राज हो गया ना। जंगल का राज मतलब? जंगल राज बोले तो बहुत सांप ही सांप, सांप ही सांप। और डॉक्टर के क्लिनिक में भी सांप थे, बहुत सारे सांप। बॉस अब उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर वरुण भाई को आखिरी बार लाया गया था। हाँ जानता हूँ ये कौन है। बोलो कौन है? अरे असिस्टेंट है किसी नामी वकील का। किसी नामी वकील का नहीं, केडी बॉस का। बोले तो अपून का बॉस का, और इसका नाम वरुण है। हाँ तुम क्यों इसके बारे में जानना चाहते हो? अरे इसे मरे तो बहुत वक्त हो गया। तेरे को एकदम 100% मालूम है कि इसका डेड हो गया रहेगा? देखो मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, पर ऊपर वाले को शायद कुछ और। ऊपर वाले को छोड़, उसके पास अपन लोग बाद में जाएंगे। पहले अपन को ये बोल कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वरुण मरा ही ना हो। तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? तू झूठ काहे को बोलेगा? अपुन की माँ ने कहा था बचपन में डॉक्टर बनने का, तो आज अपुन की ख्वाहिश पूरी करेगा, डॉक्टर बनेगा। क्या है कितने अपुन को बोला कि मर्फी मर्फी नाम का कुछ अभी लगा था। इस मॉर्फिन से तो आदमी की जान भी जा सकती है। हिम्मत करो, हटो उसको, हटो हटो। अभी अपुन पैक करके देखते ना, जान जाती कि नहीं। अरे तेरे अंदर जाने का नाम बोल, सच बोल, बोल 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 ना, हटो उसको, बता दो, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। मैंने वो बॉय को ऑक्सीजन का सिलेंडर लाने के लिए कहा था, फिर जब वो बहुत दिन तक नहीं आया तो मैं उसको देखने गया। तो बस इतने सारे सारे सांप डॉक्टर? डॉक्टर ए कौन है बे? ए कौन है बे? साले बंदूक के जमाने तीर गोली चला रही है, आने सामने। डर गया क्या? आना आया। बॉस बॉस अपुन को लगता है कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि वरुण भाई की मौत का पर्दाफाश हो। हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुझे वो तीर का घाव ज्यादा गहरा तो नहीं लगा? अरे बॉस वो सब ठीक है, अपुन को इस चीज का अफसोस है कि अपुन साला उस अर्जुन की औलाद को पकड़ नहीं पाया। मिलता ना देता भी सर भी। कोई बात नहीं, मैं दवे को भेजता हूँ तेरे पास। काहे को बॉस? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने एक और छोटे भाई को खो दूं। क्या हुआ? आपने बोल दिया ना, उनके लिए काफी है। अपन ध्यान रखिए अपना, आपस ये बोलो अपन को काम क्या करना है अपन को। बस बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, जाओ अपना घाव दिखा डॉक्टर को। जी बस अच्छा बस अपन लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरा वरुण जीवित है या नहीं?
आपने एप्पल के ऊपर जो डेंटल मार्क भेजे थे वो डेंटल मार्क वरुण के नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया। क्या हो गया तुझे, शिफाली छोड़ गई क्या तुझे? नहीं नहीं सर, शिफाली ने मुझे नहीं छोड़ा। सर आप जानते ना, आई लव हर लॉट। तो क्या झगड़ा वगड़ा हो गया? सर नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मजनू की तरह शक्ल बना के घूम रहे हैं, शेव नहीं किया क्यों? ओ सर वो तो मुझे आज शेव करने का मन नहीं करा था। कहीं तेरे चाचा ने ऐसे देख लिया तुझे तो मुझे कहेंगे कि क्या केडी तू इतना व्यस्त रखता है और उनको कि उसे शेव करने का टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है सर, मैं आज ही शेव कर लूँ। वैसे स्टबल के साथ थोड़ा हीरो टाइप लग रहा है। थैंक यू सर। वो मेरा वरुण ही है, मैं अपने वरुण को बचा कर ही रहूंगा। कोई सांप नहीं है यहाँ, कोई नहीं काटेगा तुझे। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना प्यारा लग रहा है, जब आप कोई कच्चा खाएगा ना तब पता चलेगा। याद आ रहा है कुछ? मैं केडी पाठक हूं, याद करो वरुण, तुझे बचाने आया हूं यार। नहीं, क्या हो वरुण? क्या हुआ अचानक, क्या हुआ तुझे? कौन था वहां, किसे देखकर तू अचानक इतना विचलित हो गया? नहीं केडी साहब, आपके अलावा यहां पर कोई नहीं आया। वरुण को यहां से अति शीघ्र निकाल। हाय हाय केडी पाठक, 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 हाय हाय केडी पाठक,
इस केस के ऊपर आम लोग बहुत स्ट्रांग रिएक्ट कर रहे हैं। मिस्टर केडी, आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है कि आपका मुवक्किल बेगुनाह है? योर ऑनर, आप स्वयं एक चित्रकार हैं। जरा मेरे मुवक्किल का मुख देखिए, क्या यह आपको नर्भक्ष लगता है? योर ऑनर, आदमखोर शेर भी सुंदर होता है, तो क्या हम उसे खुला छोड़ देते हैं? देखिए, मनुष्य और जानवर में अंतर होता है। बिल्कुल, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये इंसान नहीं जानवर है, नरभक्षी जानवर। ये नरभक्ष नहीं है, ये मेरा सहायक है वरुण। ये मतलब हाय योर ऑनर है। कौन वरुण? योर ऑनर, मेरा सहायक का। लेकिन केडी साहब, आपके असिस्टेंट का तो कत्ल हो चुका है ना? ऐसा जताया गया था योर ऑनर। वास्तविकता ये है, जो अभी अभी पता चली है, कि उसका अपहरण कर लिया गया था अस्पताल से जब उसकी चिकित्सा की जा रही। वाह केडी साहब वाह, क्या कहानियां बनाते हैं आप। कहानी नहीं, सत्य है ये योर ऑनर। जब कल इस मामले में जांच की हमने, तो पता चला कि जिस डॉक्टर ने वरुण की चिकित्सा की थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। बड़ी रहस्यमय स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है, सांप के काटने से। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, मेरे दूसरे सहायक श्रवण पर भी तीरों से आक्रमण किया गया। योर ऑनर, तीर कमान से मारने का काम तो अब आदिवासी लोग भी छोड़ चुके हैं। केडी साहब, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? सांप, नरभक्षी, आदिवासी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा केस में पहले भी लड़ चुका हूं। मिस्टर केडी, आपके पास कोई ठोस सबूत है तो बताइए। ले आऊंगा योर ऑनर, ठोस सबूत है, लेकिन ठोस सबूत यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर प्लीज, केडी साहब के पास कोई सबूत नहीं है। ये योर ऑनर, सबूत ले आऊंगा, मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूँ, 2 दिन का समय चाहिए। मिस्टर पाठक, अदालत आपको आखिरी बार वक्त दे रही है। अगर अगली तारीख पर आपने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, तो सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एंडेड। डॉक्टर मेहता की हत्या से लगता है कि वरुण जीवित है। फोरेंसिक डॉक्टर कहता है वरुण के डेंटल मार्क्स मैच नहीं हुए। जेल में वरुण किसी को देखकर डर गया था, किसे देखा था उसने? वहां पर सांप भी आए थे। श्रवण पर तीरों से आक्रमण, सांप, नरभक्षी, आदिवासी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा केस में पहले भी लड़ चुका हूं। किसकी अंगूठी पर सांप का चिन्ह बना हुआ था? डॉक्टर परांज पे नहीं, डॉक्टर परांजपे वापस तो नहीं आया, पर उसे तो फांसी हो गई थी। मुझे स्वयं जाकर इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी। वो परांजपे अभी के जेल में है ना? है नहीं, था। पाठक साहब, आप ही ने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। हाँ, राइट राइट, वही पता लगाने आया था, फांसी हो गई थी उसकी। ये देखिए, 29 जुलाई सन 2010 सुबह 7 बजे उन्हें फांसी हुई थी। एक नरभक्षी गया तो दूसरा आ गया। सांपों का रिंग मास्टर और ये नरभक्षी एक ही व्यक्ति हैं या 2 अलग लोग?
केडी पाठक वापस चले जाओ, अपनी खोज छोड़ दो, वरना अगली तीर तुम्हारे आर पार होगी। मैडम, अपुन को मालूम है आपका पति ऑफ होला है तो आपको दुख तो ज्यादा रहेगा ही ना। लेकिन एक बात बोले अपुन, आपका पति ऐसी ऑफ नहीं हुआ। क्या मतलब? वो अस्पताल में पैसे के लिए डेड बॉडी एक्सचेंज करता था। क्या? हाँ, इसीलिए किसी ने मरवाया रहेगा तुम्हारे पति को। हाँ, और तो ये पैसे का चक्कर ना बहुत बुरा रहता है। अब आपको अपने पति के बारे में कुछ तो मालूम रहेगा ना? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। ये बात भी करेक्ट है, तुमको कैसा पता रहेगा? तुम बोल रहा है ये फोटो जानी पहचानी लग रही नहीं? ये वरुण भाई की फोटो है, अपन को तुम्हारे पति के केबिन से मिले थे। मैडम कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। कोई नहीं, अपन ने पुलिस को फोन कर दिया। हाँ? पुलिस थोड़ी देर बाद आएगी, तुमको तुम्हारे पति के राज छुपाने के जुर्म में लेके जाएगी और तुम जेल में चक्की पीसोगी। तो अपन को अभी सब बोलो, नहीं तो अपन पुलिस का फोन करता है। नहीं करता अपन पुलिस को फोन। बोलो। एक डेड बॉडी के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे वरुण का चेहरा दे दिया था, फिर बाद में दोनों बॉडीज के भी बदली कर दी थी। किसके कहने पे? उन्होंने कभी उसका नाम नहीं बताया। मैं सच कह रही हूँ। लो केडी बॉस, बॉस आपका शक बिल्कुल सही था। बॉस वो वरुण मरा नहीं था। बॉस वरुण की बॉडी एक्सचेंज किया गया था। जिसको जलाया ना वो असली वरुण था ही नहीं। हाँ बॉस, वो किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करके उस आदमी को वरुण का चेहरा दिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि सदानंद ही वरुण है, वरुण जीवित है। बस कहीं सदानंद और वरुण के गायब होने के बीच में कोई सॉलिड कनेक्शन तो नहीं? बॉस एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके खिलवा पहुंच। जी बॉस। बॉस हम लोग इधर काय को आए? धीरे बोल। जिसने वरुण को अगवा किया, मुझे धमकी दी, वो जो इस षड्यंत्र का रचयिता है, हो सकता है वो यही सुन रहा हो हमारी बातें। हाँ बॉस वो तो ठीक है, पर इधर बदबू भी आ रही है। बदबू काय के आए ले? मिस्टर केडी, आपको दिए गए दो दिनों का वक्त आज खत्म हो गया है। आपके पास कोई ठोस सबूत है या नहीं? जी अरुण, मेरे पास ठोस सबूत है और मुझे लगता है कि केडी साहब फिर से टाइम मांगने वाले हैं। नहीं, आपके लगने में और वास्तविकता में बहुत अंतर है प्रोसिक्यूटर महोदय। अब आपके ये शब्दों के बाण शेष हो गए हो तो मैं कार्यवाही आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मैं इंस्पेक्टर जसवंत को कटघरे में बुलाने के लिए। इंस्पेक्टर जसवंत की पूछताछ हो चुकी है योर ऑनर, अब क्यों बुलाना है उसे? नहीं, प्रोसिक्यूशन ने पूछताछ की, अभी तक प्रतिपक्ष की पहल बाकी है। आपको आपत्ति ना हो तो योर ऑनर की इजाजत है। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह साहब, ये जो पांच व्यक्ति लापता हुए थे, इनके वस्त्र जो है यहाँ मेज पर रखे हुए, आप ही ने ढूंढ निकाले, आप ही ने खोजा था? ये हमने किया, इस आदमखोर के घर। वो छोड़िए, जितना पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए। ये जो वस्त्र आपने पाए, जो बरामद किए, इनकी ठीक प्रकार से आपने छानबीन की? जी हाँ, हमने अच्छी तरीके से जांच की। आपको क्या लगता है कि हम लोग अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, खाकी के लिए तो मेरे मन में बहुत आदर है। मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि जब आपने छानबीन की वस्त्रों की, तो उनके अंदर से कुछ प्राप्त हुआ? ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, पर्स, कंघी, पेन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाबी, कंघा, पर्स इत्यादि आप चाहे तो खुद बैग चेक कर सकते हैं। हाँ मेरी साल, आप एग्जैक्टली क्या साबित करना चाहते हैं? ये टाइम पास करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया आप? नहीं प्रोसिक्यूटर महोदय, वो क्या है, टाइम पास करना एक पास टाइम होता है।
और मेरे पास टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो मैं, योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा एक बार देख लूं। इजाजत है। धन्यवाद। ऑनर की पतलून की जेब से ये कागज को छुड़ा। ये पांच कागज के टुकड़े मिले हैं इन सारे वस्त्रों के जेब से। लेकिन ये है क्या? अब ये कोई आम कागज के टुकड़े नहीं है। एक चित्रपट गृह के सिनेमा हॉल के टिकट के आधे फाड़े हुए भाग। इंस्पेक्टर जसवंत साहब, आप तो जानते होंगे कि ये टिकट देखिए लिखा भी है, कौन से चित्रपट गृह के? सपना पिक्चर हॉल, केलो में एक ही पिक्चर हॉल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये सिनेमा हॉल, ये टिकट, इन सब का इस केस से क्या लेना देना? ये वो क्या संबंध है ये तो मैं स्पष्ट करने वाला था, किंतु आपने बीच में टोक दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। योर ऑनर, ध्यान दीजिएगा, ये सपना चित्रपट गृह के बाकी बचे हुए टिकट हैं। वो पर्ची है आपके पास लिस्ट लापता व्यक्तियों की। ये बताइए, सर्वप्रथम कौन लापता हुआ था? हरीश कुमार। हरीश कुमार, दिनांक? 24 मई। 24 मई तो शुक्रवार। शुक्रवार, हाँ, आगे? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार, दिनांक? 31 मई। 31 मई शुक्रवार। आगे? तीसरा गोपाल सिंह, 7 जून। शुक्रवार। आगे? चौथा राजेश अग्रवाल, 21 जून। 21 जून शुक्रवार। पांचवा शगुन खन्ना, 28 जून। शगुन खन्ना, 28 जून, ये भी शुक्रवार। हर शुक्रवार जी। इसमें बड़ी बात क्या है? ये बात तो पहले से ही कोर्ट में बताई जा चुकी है। योर ऑनर, बड़ी बात इसमें ये है कि एक ही चित्रपट गृह से पांच व्यक्ति लापता हुए, वो भी 9 से 12 का शो देखते हुए, वो भी शुक्रवार के दिन। योर ऑनर, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है? नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है प्रोसिक्यूटर महोदय, लेकिन चाहता हूँ कि आप एक बार ये देख लें। योर ऑनर, पांच व्यक्तियों का एक ही स्थान से एक विशेष समय पर एक विशेष वार पर पांच लोग लापता होते हैं, ये जैसा कि प्रोसिक्यूटर महोदय कह रहे हैं संयोग की बात नहीं है योर ऑनर, ये एक सोचा विचारा गया षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि वो लापता नहीं हुए योर ऑनर, उन्हें अगवा किया गया है, उनका अपहरण हुआ है। इन पांचों व्यक्तियों का जो अपहरण किया गया, इसका तार सपना टॉकीज से जुड़ा हुआ है, और इस बारे में सपना टॉकीज के जो कर्ता धर्ता है, जो मालिक है मिस्टर त्रिपुरेश, उनसे बेहतर हमें कौन बता सकता है? उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। त्रिपुरेश जी, आपके चित्रपट गृह से पांच व्यक्ति लापता हो गए, इसकी जानकारी तो आपके पास रही होगी ना? कमाल है, हमारे सिनेमा हॉल से लोग गायब हो गए, ये बात तो मुझे आपसे पता चल रही है अभी। चलिए, मैंने आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाया, आप मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ाइए। बताइए कि आपके चित्रपट गृह में ऐसा क्या है कि वहाँ से लोग लापता होते हैं? कहीं आप ही ने तो उन्हें किया नहीं लापता? जी, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, इस बारे में तो पता होगा, आपके हाथों पर ये जो चिन्ह गोधा हुआ है सांप का, ये क्या है? कहानी इसके पीछे? जी, वो क्या है ना कि हम महादेव के भगत। जय महादेव। जी, इसीलिए उनका सांप हाथ में खुद है। चलिए, अच्छा है। ये बताइए कि कौन सी शुक्रवार
को जब पांचों व्यक्ति लापता हुए, दिनांक तो आप इंस्पेक्टर जसवंत से सुनी चुके हैं, तो कौन सी फिल्म, कौन सा चलचित्र चल रहा था उस समय आपके चित्रपट गृह में? जी नागिन, नागिन नाग, लगता है आपको सांप जाति से अत्यधिक प्रेम और स्नेह। केडी साहब जी, ये जो आप हवा में तीर मार रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं। हवा में तो तीर नहीं मार रहा योर ऑनर, एक तीर मुझ पर चला है गया। उस तीर के द्वारा एक संदेश भेजा गया था मुझे योर ऑनर, एक धमकी भरा पत्र। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। इसमें साफ साफ लिखा गया है योर ऑनर कि अगर मैं इस केस को छोड़कर मुंबई नहीं लौटा तो अगली तीर मेरे शरीर के आर पार होगी। योर ऑनर, जिस तीर से ये संदेश लगा हुआ था उस पर सांप का चिन्ह था। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण भी जब भी सांप की बात होती है देखिए किस प्रकार से विचलित हो जाते हैं, और ये बोलते रहते हैं कि सांप आएगा काट खाएगा, सांप आएगा काट खाएगा। योर ऑनर, मैंने स्वयं वहां कारागार में सांप देखे, और यहां त्रिपुरेश जी भी अत्याधिक प्रेम और स्नेह करते हैं सांप जाति से। त्रिपुरेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरे सांप का षड्यंत्र है ये आप ही ने खेला है, आप ही ने वो पांच व्यक्तियों को लापता किया अपने चलचित्र गृह से और उन्हें मारा खाया और उसका आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाया? योर ऑनर, ये केस एक आदमखोर का है, ना कि कोई सांप का या उसके काटने का। इस केस से उन सांपों का क्या लेना देना? योर ऑनर, सांप इस केस का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है योर ऑनर, और जब तक हम इस गुत्थी को सुलझा नहीं लेते तब तक तो मुझे लग रहा है कि यही है त्रिपुरेश जी है जिन्होंने ये सारी हत्याएं की हैं, उन पांचों व्यक्ति को खाया और उसका आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाया। ये क्या केडी साहब, आप इस दरिंदे को बचाने के लिए मुझ पे इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं? यस योर ऑनर, त्रिपुरेश जी एक इज्जतदार आदमी है केलवा के, इन पर लगाए हुए सारे इल्जाम एकदम बेबुनियाद हैं। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। एक बालकनी की टिकट दे। हाउसफुल है। मैं टिकट मांग रहा हूँ, तो टिकट देना, मैं सीढ़ी पे बैठ के देख लूंगा। देखिए ऐसे टिकट नहीं मिलता। अरे ऐसे कैसे टिकट नहीं मिलता, तो कैसे टिकट मिलता है? ये कैसी बात कर रहा है मेरे से? तेरी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा फिल्में मैंने देखी है, तो स्टॉल का टिकट है। चल अब जाते हैं, पुलिस को बुलाऊं? क्या तू पुलिस को बुलाएगा? ये पुलिस को बुलाया, पुलिस की धमकी दे रहा है मुझे। ए सुन मेरी बात, मैं शरीफ हूं इसलिए जा रहा हूं यहां से, ऐसा मत सोचना कि मैं डर गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात करता है, किसी और थिएटर में जाके देख लूंगा मैं, समझा ना? खत्म नहीं हुई, तुम कहां चल दी? तुम नरभक्षी हो? मैं नरभक्षी नहीं हूं, मैं तो उसके लिए करता हूं ये सब शिकार। किसके लिए शिकार करते? और शुक्रवार को ही क्यों शिकार करते? क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है तो आराम से शिकार को खाने के लिए, लेकिन मैं ये सब नहीं करता, कहीं वो मुझे ना खा जाए, इसलिए मैं उसका सारा ऑर्डर को फॉलो करता हूं। किसकी बात? उसका नाम है जसवंत।
योर ऑनर, जिस प्रकार से नाग और नागिन को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार से सांपों के प्रभाव को निकाल कर इस केस को नहीं देखा जा सकता। योर ऑनर, नाग, नागिन, सांप, ये सब क्या है? केडी सर, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? इसी समय की बात कर रहा हूँ प्रोसिक्यूटर महोदय, इसी समय। योर ऑनर, कल मेरी आंखों के सामने महेश की हत्या कर दी गई बिल्कुल उसी प्रकार के तीर से, नागिन वाले तीर से, जिस प्रकार का तीर मुझ पर चलाया गया। और वैसे ही तीर से मेरे सहायक पर मुंबई में हमला किया गया, योर ऑनर, उस पर तीर चलाया गया। इसका अर्थ यह होता है कि इस केस के तार केवला से लेकर पूना और मुंबई तक जुड़े हुए हैं। केडी साहब, मुद्दे की बात पर आइए प्लीज। ये हम यहाँ सांप और नाग का केस नहीं लड़ रहे, हम यहाँ एक आदमखोर का केस लड़ रहे हैं। आदमखोर का ही केस लड़ रहे हैं। आदमखोर का आरोप जो गलत लगाया गया है मेरे मुवक्किल पर। योर ऑनर, ये व्यक्ति जिसे मैं वरुण मानता हूँ और आप सदानंद, ये पूरी तरह से निर्दोष है। अच्छा केडी साहब, अगर आपको इतना सब पता है तो वजह भी बता दीजिए। ये तो अपराधी स्वयं कटघरे में आकर बताएगा योर ऑनर, जो इस समय इस अदालत में उपस्थित है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, असली अपराधी वो व्यक्ति है जिसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर नीले स्याही का छाप लगा हुआ है। हाँ, ऐसा कौन आदमी है? योर ऑनर, समय मांगने के लिए योर ऑनर, केडी साहब एक नया स्टंट कर रहे हैं। कोर्ट को गुमराह करने का कोई तरीका? योर ऑनर, अगर मैं अदालत को गुमराह करने का प्रयास कर रहा हूँ या अदालत का समय व्यर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ तो बहुत जल्द ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आप कृपया इंस्पेक्टर जसवंत को आदेश दें कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के दाहिने हाथ के अंगूठे की जाँच करें। इंस्पेक्टर, चेक करो सबके अंगूठे। यस सर। किसी के दाहिने हाथ पर इंक का निशान नहीं है। देखा योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि ये केडी साहब का कोई स्टंट है। मिस्टर केडी, क्या है ये? जब वो आदमी यहाँ नहीं है तो आपने ऐसा क्यों किया? योर ऑनर, वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित है और ये मैं स्पष्ट कर दूंगा अदालत की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर, आपकी अनुमति हो तो। ठीक है, कैमरे का फुटेज लाया जाए। धन्यवाद। हत्यारा इस समय इस अदालत में उपस्थित है और हत्यारा वो व्यक्ति है जिसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर नीले स्याही का निशान लगा है। आप कृपया इंस्पेक्टर जसवंत को आदेश दें कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के दाहिने हाथ के अंगूठे की जांच करें। इंस्पेक्टर, चेक करो सबके अंगूठे। यस सर। योर ऑनर, इस फुटेज को ध्यान से देखिए। जैसे ही अदालत में मैंने कहा था, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने अपने अंगूठे की ओर देखा था वही असल हत्यारा है। क्यों दोस्त, अब क्या कहना चाहते हो? अरे छोड़ो मुझे। मैं तुम दूंगा।
खा जाऊंगा। ये ही है योर ऑनर असल हत्यारे। मैं खा जाऊंगा तुम दोनों को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल परांजपे, डॉक्टर परांजपे के सुपुत्र जो स्वयं एक नरभक्षी थे, ये भी योर ऑनर नरभक्षी है। योर ऑनर इनके पिता डॉक्टर परांजपे ने भारत में पापुआ न्यू गिनी गुट की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत योर ऑनर सांपों को वश में किया जाता है और सारा कार्य उनके द्वारा किया जाता है। इनके पिता नरभक्षी थे और ऑनर वो केवल मनुष्य का भेजा खाते थे। किंतु उनके सुपुत्र तो उनसे भी आगे निकल गए, पूरा का पूरा मनुष्य निकल गए। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। सुन लीजिए यार, जैसा पिता वैसा ही सुपुत्र, या कहूं कुपुत्र है यार। अपने पिता के पद चिन्ह पर चल दिया ये। आदमी के मांस से ज्यादा और कुछ टेस्टी नहीं है। मिस्टर केडी, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुनहगार है, उसे बदला चाहिए था, तो फिर बाकी लोगों ने उनका साथ क्यों दिया? योर ऑनर, अतुल परांजपे की तरह महेश भी इन्हीं के गुट का भागीदार था। ये दिखने में तो साधारण व्यक्ति थे, किंतु गुप्त रूप से ये लोग मिलते थे और मनुष्य के मांस का सेवन करते थे। योर ऑनर, जब मैंने वरुण के डेंटल रिकॉर्ड मैच करने का प्रयास किया, तो इनके दांतों के डॉक्टर ने वहां मुझे गलत रिपोर्ट दी है। अगर अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा कहा गया है वैसा करो, क्योंकि हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते, उन्हें जिंदा खा जाते। एक बात समझ में नहीं आई प्रोसिक्यूटर महोदय, या कहूं मिस्टर अतुल परांजपे नरभक्षी साहब, आपने वरुण के साथ ये खेल क्यों खेला? मैं तुझसे बदला लेना चाहता था। तूने मेरे बाप को फांसी पर लटकाया ना, इसलिए तुझसे बदला लेना चाहता। मैं बदला लेना था तो मर्द की तरह मुझसे बदला लेते, मेरे छोटे भाई जैसे वरुण के साथ क्यों ये दुश्मनी निकाली? और तेरा प्यारा था ना वो वरुण, इसलिए मैंने उसको चुना। जब अपना कोई मरता है या दर्द में होता है ना, तो अपने पे क्या बीतती है, मैं तुझे वो दर्द देखना चाहता था। वरुण को फांसी पर लटका के तुझे तिल तिल कर मारना चाहता मैं। अपना कोई मरता है तो वो एहसास दिलाना चाहता था मैं तुझे। सही कहा आपने तुझे, अपने निकट के किसी व्यक्ति को दर्द पहुंचे तो बहुत दर्द होता है। आपने अपने दर्द का बदला लिया, और वरुण को जो दर्द आपने दिया उसका बदला मैंने लिया। द डिफेंस प्रेस चार्ज। अदालत फौरन अतुल परांजपे को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। केडी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। और सदानंद उर्फ वरुण जवेरी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। मेरा भतीजा वापस आ गया, इतने दिनों के बाद। आ मेरे बच्चे, छोड़ दो मुझे। वरुण, चाचा जी हैं। चाचा, तेरा बेटा। चाचा जी, वरुण इधर बैठ जाओ। शांत हो जाओ वरुण, बस बेटा। थैंक यू किडी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे चिल्ला? Thank you.
ये जितना आराम करेंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे। ओके जी, क्या हाल है वरुण का? वरुण ने दवा खुद ली। खुद दवा ली? वो दो घंटे से एल्बम देख रहा है। अच्छा, विद रिगार्ड टू द टर्म एक्सेसरी, एग्जामिनिंग द टर्म एक्सेसरीज इन रिस्पेक्ट, एक्सेसरी मतलब वो नहीं जो स्कूटर पे लगाते हैं, एक्सेसरी मतलब जो भागीदार होता है, हेल्प करने वाला, हत्या के नहीं, समझ में आ रहा है श्रमण, इसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे समझाऊं। हाँ बिली, कोई तुमको मिलने को आया है। तू पहचान गया मुझे? अपने लोगों को पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आप ही ने तो सिखाया था सब। और तुमने मेरे को पहचाना कि नहीं? मिसेस बिलमोर, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप कोई भूलने की चीज है? सर, थैंक यू सो मच, आप मुझे मौत के मुंह से बचा कर ले। मैं तो जीने की चाह ही छोड़ चुका था। अगर आप नहीं होते तो अब तक मैं फांसी पर लटक चुका होता। आपने मुझे नया जीवन दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कैसी बातें कर रहा है, शुक्रिया किस बात का? बस तू वापस आ गया, ये मेरे लिए बहुत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.